पूर्व मंत्री अब्दुल सगी जी, पूर्व प्रधान मोनू जी, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साजिद भारी जी, पूर्व अध्यक्ष शास्त्री जी, हमारे डॉक्टर साहब सुरचरण जी, बद्री प्रधान जी, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सम्मानित सभी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण, पूर्व प्रधान उदयवान जी, आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं वो आपको सबको मालूम है। तो जो मुकदमा 2015 में वह एफआईआर लग गई, और एफआईआर लगने के अलावा जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी थे 15 में, जब भी आपने जांच कराई थी, अगर जब भी अगर वो मामला अगर गड़बड़ था तो फिर आपने पहले एफआईआर क्यों लगवाई वो मुकदमा में? कोर्ट में जिन्होंने लगाया तो कोर्ट ने भी क्लीनिक चिट दे दी। और ये तो बार बार आप दोबारा से कोई चीज़ जिंदा रखने के लिए, तो वो तो जांच व जांच मच जाए इस चीज़ की, करा लो आप, हर चीज़ की जांच है जाएगी, और कमी निकालो तो हर चीज़ में कमी निकालते चले जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मुझे कहूँ को आरोप लगाना तो कोई ना कोई तो आरोप लगाऊंगी, चाहे वो अच्छा या ख़राब है, तो आरोप तो लगा दूंगे कोई दिक्कत ना आने, पर वो साबित नहीं होंगे तो सिर्फ क्या है कि बदनाम करने की वजह से, परेशानी की वजह से, कि इन लोगों को परेशान किया जाए। जो आगे के चुनाव आ रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव है, आगे जो राज्यों में चुनाव है, तो ये कहेगा जो सहयोगी दल है का वो एक राय में नहीं है, वो मेरे साथ में टूट के ना जाए, डर के ना, बस वो कौन सी है वो एक है, उसकी वजह से हो रहे हैं सब काम। तो लड़ाई है, ये तो लड़नी पड़ेगी। अगर राहुल गांधी जेल चले जाए तो कोई कमजोर नहीं है जाएंगे, और मजबूत है कहना ही नहीं करेंगे, मेरा तो यही मानना है। ऐसी सोच है लोगों की कि जेल में जाएगा ना आदमी कमजोर बने, जेल में जाएगा ना मेरे हिसाब से तो आदमी मजबूत बनेगा और उसको सहानुभूति मिलेगी। आप देख लो तमाम लोग जेल में पड़े, वो जेल से चुनाव जीत रहे हैं, तो उनके कोई कुछ ना कुछ तो उन्होंने अच्छा ही होगी ना, जब भी तो लोग वोट दे रहे हैं, वैसे ही वोट नहीं दे रहे हैं। तो राहुल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही लड़ रहे हैं, और आप और हम सब मिलकर आई इस लड़ाई में सभी साथ दें जहाँ पर जरूरत पड़ेगी। अभी तो लड़ाई थोड़े हल्के स्तर पर चल रही है, जरूरत पड़ेगी तो बहुत बड़ा आंदोलन भी करना पड़ेगा, हो सकता है कि जेल में भी जाना पड़ेगा। तो भाई हमें तो प्रैक्टिस से जा भी आएगी, कोई दिक्कत ना रहे, जिन्हें नहीं है वो प्रैक्टिस ले लो तुरी करने में तो प्रैक्टिस लेना जरूरी है चीज का। अब आज जेल की जरूरत पड़ रही तो वो प्रैक्टिस है, तो वो हमारे तो काम में आ गई, और जिनके काम में नहीं तो वो धोखा उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे। तो हर चीज की ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो मैं तो आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि जब भी कोई गिरफ्तारी हो या जब भी हमें ऊपर कोई आदेश मिले तो जाके कहा हमें तैयारी रखनी चाहिए, और इतनी ज़बरदस्त तैयारी के साथ में चलेंगे कि कोई भी आंदोलन करे या कोई भी चीज़ करे तो वो थोड़े तरीका से होनी चाहिए और अच्छा मैसेज जाना चाहिए। उसके काज हमें तैयारी करके ना ही रखनी चाहिए। जो तो सिर्फ दो की सरकार है, तीसरा कोई है नहीं। अभी शास्त्री जी बता रहे थे कि वो कौन से गुट का है, वो पान बरा का, वो एक छा बरा का है, तो हम दो और हमारे दो वाला है, तो वो खुद दोनों और एक अंबानी एक अडानी, तो उनके हिसाब से देश चल रहे आए। अब एक वो बाबा है वो 33 रुपया लीटर में डीजल बच्चे वाले पौने दुआ के भाव, अब बाकी पते ना है वो कहाँ भाग गए, 100 रुपया लीटर कराए गए ना और 118 पेट्रोल कराए गए। ये तो सब ऐसे ही चलेंगे, और एक नई झूठ रह गए ना ही दे देंगे। ये सगीर भाई कह रहे ये बात में दम है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान की दुकान चलेगी, और हिंदू खतरे में वो जो बताओ जी 20% जो मुसलमान कौन है खाई गई, जो 80% को काबे कर रहे हैं, तो जो खतरा में खाई थे जो समझ में ना आ रही, देश हित कौन सी बम करेगी देश में से, वो मोदी जी ने हाथ लगाएगा ना हथपल लपक ली, समझ में ना आ रही। अपने लोग जो हिंदू भाई जो ज़्यादा बहक रहे हैं, वो ये बताइए बेचारे सगीर अरे 20% है जो कौन पर तुम पर चढ़ाई कर रहे हैं भाई, कहा जाएगा ना कह रहे हो तो चुपचाप रखे हैं, अब बोले चुपचाप होना चाहिए अंदर
तो बोले जाके सारे, अरे मुसलमान हावी है जाके, कहाँ हावी है भाई ये तो बताया। तो जे लोगों ने समझावे की जरूरत है कि सिर्फ चुनाव के घंटा है, झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। 400 रुपया सिलेंडर था, जब जाके जे ईसरानी ईरानी रोज वाले कह रहे जरा कहीं जाके नहीं कि तुम सिलेंडर के तुम जाके बैठ जाती, अब जाके रहिए बदेना पर 1000 का कर दो, 8 साल में दोनों तो ऊपर है वो। तो आप जो सोचो का कितनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल के भाव कितने है गए, डबल होते जा रहे हैं। और अपन लोग अभी यही सोच रहे हैं कि बस सिंधु खतरे में, देश कौन से देश का हिते होगा भाई। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली AC विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन।